से बिठाते हुए सम्मिलन प्रधानमंत्री का रोड शो आप देख रहे हैं धर्मशाला में। प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है और खास तौर पर जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें जो वहां की जनता है उसका उनका आवभगत कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे फूलों से प्रधानमंत्री की आवभगत की जा रही है। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो पर जाते हैं तो जनता का जो हुजूम है उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहपूर्वक खड़ा हो जाता है और यही हुजूम आज हम देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता फूलों से उनकी आवभगत करती हुई उनका स्वागत करती हुई। यही सहज सरल और स्वाभाविक एक व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का। हमेशा से अपने आप को प्रधान सेवक के तौर पर उन्होंने पेश किया और किस तरह से जनता उनको प्यार करती है और नब्ज टटोलने के लिए आज रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मशाला से सुधाकर दास जुड़े हैं। सुधाकर, पूरा हुजूम प्रधानमंत्री का स्वागत करता हुआ फूल बरसाते हुए प्रधानमंत्री भी अभिवादन कर रहे हैं सहज सरल व्यक्तित्व के साथ। हमेशा से इस रोड शो में इस तरह की तस्वीरें आकर्षित करती हैं, हर्षोल्लास करती हैं हमें। बिल्कुल आंचल, देश का कोई भी हिस्सा हो, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देवभूमि हो या कोई और राज्य, इस तरह की तस्वीरें हर जगह नजर आती है। और ये जो डायरेक्ट कनेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का हम लोगों के साथ, वो कनेक्ट नजर आता है। और ये यही वजह है आप जो ये लंबी लंबी कतारें देख रही हैं, देवभूमि के रंगों में सजा हुआ जो धर्मशाला दिख रहा है, जो तमाम लोग दिख रहे हैं वो काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और एक तरह से उनकी मुराद पूरी होती हुई दिख रही है जब उन्होंने अपने सामने खुद प्रधानमंत्री मोदी को देखा। और पीएम मोदी के लिए भी कहे तो हिमाचल प्रदेश कोई नया नहीं है, कई बार उसको हिमाचल प्रदेश को एक दूसरा घर बताते हैं। जब वो संगठन में थे तो संगठन हिमाचल के प्रभारी भी रहे थे, तो चाहे धर्मशाला हो या हिमाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा, तो हर हिस्से को एक तरह से
जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, हो सकता है कई पुराने परिचित भी यहाँ रहे हो, लेकिन बीते देश के लोगों को जिस तरह से गरीबों की जिंदगी बदली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में आया, पूरे देश को एक तो नई ऊर्जा ताकत मिली है, आगे बढ़ने की ताकत, आत्मनिर्भर बनने की ताकत, और जिस तरह से जो एक एक समस्याएं देश की जो कई दशकों से अटकी पड़ी हुई थी वो समस्याएं हल हुई हैं, और उसकी वजह से ये जो अपार जनसमूह ये प्यार प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिख रहा है, और जाहिर तौर पर हर दिन ये प्यार लोगों को के लिए बढ़ता जा रहा है। मैं जहाँ जब पॉइंट पे खड़ा हूँ, अचल मैं बता दूँ, खासतौर से महिलाएं, युवा, बच्चे, ये काफी संख्या में यहाँ इस वक्त है, और कई घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का। और निश्चित तौर पर हालांकि ये स्वागत के लिए तैयारी, एक फॉर्मल रोड शो भी नहीं कहेंगे, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ सूचना के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी उनके शहर में आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो बहुत जबरदस्त तस्वीर। और पीएम मोदी किस तरह से 130 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उसका ये एक रिफ्लेक्शन धर्मशाला की इस सड़क पर दिख रहा है। बिल्कुल, और यही हम देख पाते हैं कि किस तरह से जब वो लोगों के साथ सहज तरीके से संवाद करते हैं, मन की बात टटोलते हैं, और ये जिस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया गया, ये जो प्यार है, ये लोगों का अभिवादन करने का उनका तरीका है, लोगों का जुड़ने का तरीका, ये कहीं ना कहीं उनको अलहदा व्यक्तित्व का धनी बनाता है। बिल्कुल, देखिए, और देश के अगर तमाम प्रधानमंत्रियों की भी बात करें तो ये बिल्कुल अलग उनका व्यक्तित्व है। देश का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां प्रधानमंत्री ने सुधाकर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहती हूं, दोबारा आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, हम सुनना चाहते हैं कि वहां पर किस तरह से स्वागत करते हुए जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। तो खुशी है, हर्ष है इन आवाजों में, खुशी है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए हैं, और इस रोड शो के दौरान हम देख पा रहे हैं वही खुशी उनकी चेहरों में, उनकी आवाज़ में झलकती हुई, एक झलक पाने के लिए, और किस तरह से प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए अभिवादन का जवाब देते हुए, और कैसे एक जुड़ाव महसूस करती है वहाँ की जनता प्रधानमंत्री के साथ, इसका हम, इसकी जो बानगी है वो हम इस पूरे रोड शो के दौरान देख पा रहे हैं। यही एक कह सकते हैं क्वालिटी है जो अलहदा बनाती है प्रधानमंत्री को, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन लोगों से जब भी कहीं जाते हैं इस तरह से सहज और सरल तरीके से कनेक्ट करते हैं कि उनको लगता है कि कोई उनका अपना आ गया, और ये जो क्वालिटी है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने देखा कि भले ही ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया, पहला सम्मेलन है जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन है जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, लेकिन इस रोड शो के जरिए आप देखिए जो युवा हैं उनकी भी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। महिलाएं, हर वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सब जुड़ाव महसूस करते हैं प्रधानमंत्री से। आप ये पूरी तस्वीर अगर देखें, ये तस्वीर अपने आप में इतनी मजबूत, इतनी सशक्त तस्वीर है कि यहीं से हम महसूस कर सकते हैं कि कितने लोग उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि एक बार प्रधानमंत्री को देख लें, वो अपनापन वो महसूस करते हैं प्रधानमंत्री के साथ। और जब हम सुधाकर से सुबह बात भी कर रहे थे तो इस रोड की ही तस्वीर सुधाकर ने हमें दिखाई थी, किस तरह से लोग सुबह 8 बजे से, जब हम 8 बजे नया सवेरे का पहला बुलेटिन कर रहे थे, 8 बजे से वहाँ पर लोगों का आने का तांता शुरू हो गया था। यही बानगी है, यही हम देख सकते हैं प्यार है जो लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति है। हिमाचल की जनता जो है वो उनको कितना प्यार करती है, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो रोड पर खड़े हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप घरों पर भी, छतों पर खड़े हुए लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के अभिवादन को वो स्वीकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। और जिस तरह से आज जो ये सम्मेलन है, काफ़ी अहम ये सम्मेलन है, सम्मेलन के लिहाज से अगर हम माने तो पहला राष्ट्रीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन है जहाँ पर बहुत से विषयों पर आज मंथन होगा, कारोबारी सुगमता की बात होगी, छोटे योजनाओं को अधिकतम कवरेज मिले उस पर बात होगी, केंद्र और राज्य का सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा उस पर बात होगी। और जब भी कभी हम इस तरह के रोड शो, पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह का रोड शो करते हैं, इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं हमें खुशी देती हैं, गौरव का पल। देखिए आप, हर कोई अपना मोबाइल का कैमरा निकाल कर खड़ा है कि एक तस्वीर उन्हें प्रधानमंत्री की मिल जाए। हेलो,
और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हम देख सकते हैं। मास्क की टोपी में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं की वेशभूषा में उन्हीं के जैसे महसूस करने के लिए। और हम ये जो ध्वनि सुन पा रहे हैं ये पारंपरिक हम कह सकते हैं संगीत है हिमाचल का, जिसमें हम वहां के रंग, वहां की जो संस्कृति है उसके रंग, सभ्यता के रंग, वहां की मिट्टी की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हिमाचल की वेशभूषा में तमाम जो ये महिलाएँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी हिमाचल की टोपी में वहाँ पर मौजूद हैं, कि किस तरह से ये जो स्वागत किया गया है उनका संस्कृति के लिहाज से, सभ्यता के लिहाज से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हम कह सकते हैं इस कथन को चरितार्थ करता हुआ यह पूरा रोड शो हम देख पा रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखिए काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया है, चाक चौबंद इंतज़ाम है रोड शो का जब हम जिक्र कर रहे हैं। तो कैसे इस रोड शो, जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है हम देख पा रहे हैं, और हर जगह पर जो लोग हैं वो स्वागत के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। जब भी वो वहाँ से निकलते हैं और अभिवादन करने के लिए हाथ हिलाते हैं तो आप लोगों के चेहरों पर खुशी, उनकी आवाज़ में वो हर्ष महसूस कर सकते हैं। और ये हमारी देसी धरती ही नहीं, जब विदेशों में भी इस तरह प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको यही प्यार, यही अपनापन जो वहाँ पर भारतीय समुदाय है उससे मिलता है। आप देखिए कि छतों पर भी लोग एक झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता के लिहाज से एक कनेक्ट प्रधानमंत्री के साथ फील करते हुए, और यही संस्कृति और सभ्यता की अनूठी माला है जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ती है। और इसी तरह के रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री जब भी जनता से संवाद करते हैं, बात करते हैं, मन की बात जानते हैं, तो वो ये बात समझते हैं कि जब हम एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर हैं और जनता से बात करनी है तो ये जो संवाद करने का तरीका है, ये रोड शो है, जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे हैं, एक सेतु की तरह काम करता है जनता के लिहाज से। और जनता फिर आपको जो प्यार आप पर लुटाती है वो आपको समझने की या देखने की भी आवश्यकता नहीं, आपको दृष्टव्य पहली बार में ही नज़र आता है कि कितना प्यार जनता उनको करती है। और ये आप देख सकते हैं, सुबह यही रोड जब हम देख रहे थे तो तैयारियाँ पूरी थी सुरक्षा के लिहाज से, कैसे रोड पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, तभी से लोग आना शुरू हो गए थे। उन्हें मालूम था कि कुछ देर में, दो तीन घंटों में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यानी कि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर शुरू होने वाला है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही सुखद रमणीय छटा बिखेरती हुई, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति के रंग हैं, सभ्यता के हम अनूठे पहलू देख सकते हैं, और इसी अनूठे पहलुओं से रूबरू करवाता हुआ ये रोड शो है। तो पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा है ये, लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन किया।